जयसवाल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. जयसवाल वो लेफ्टी जो है लंबे से, वेरी गुड प्लेयर. मे बी दे नीडेड राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अप देयर. ही इज परफॉर्मिंग वेल, इनक्रेडिबल. दैट शोज इज वर्क एथिक्स. बट आई थिंक आप इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं, सो दैट समटाइम्स यू हैव अ गुड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सेलेक्टर्स के लिए इज अ गुड प्रॉब्लम, किसको रखें किसको ना रखें. आपके पास कीपर कितने सारे हैं जो बैट कर सकते हैं, ऊपर भी, मिडिल ऑर्डर में भी, नीचे भी. अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो लगा के मुकाबले के लिए आई है. हिंदुस्तान ने किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेले. और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर साइड. टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का. देखिए जयसवाल में कमाल का पोटेंशियल है और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के काबिल है और कर रहे हैं ऐसे और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं. ये वन ऑफ नहीं है या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया. ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से. अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के. मैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, मैं आपको जसवाल की हिस्ट्री भी बताऊंगा, जसवाल के बारे में एक कहानी है वो भी बताऊंगा, जसवाल क्यों ऐसा है वो भी बताऊंगा. ये हमारे बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको एक आपको एक 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 एक, एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जसवाल. बहुत सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है. मुझे मजा आया देख के हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड. हिंदुस्तान का लड़का जसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है. दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये. ग्राउंडमैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल. उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन. उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग. सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है अपनी टीममेट को. रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था. जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जाता होगा और फिर क्रिकेट का इतना शौक. फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है. ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोन गो प्लेसेस. इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर. बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा ज़बरदस्त खेला है. लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर. बट वाई दे आर मैच्योर, थिंक अबाउट इट, वाई दे आर मैच्योर. नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है. हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जयसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो. पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जयसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है. क्योंकि भाई 22 23 साल का लड़का, ये भाई कितने भी ये यंगस्टर घूम रहे हैं ना इस वर्ल्ड क्रिकेट में, ये जो घंटे घुंटे, ये जो छनकने घूम रहे हैं, ये लेसन है उनके लिए. सीखो इसे कि किस तरह आप हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करके उस अकॉर्डिंग खेलते हो. ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है. ट्रू आप ऐसा कह सकते हो. तो फिर मुश्किलात तो फिर हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आई. यूसी के जिस तरह से एक जबरदस्त स्कोर जो है वो जयसवाल ने, सबसे पहले अगर हम बैटिंग साइड की बात करते हैं, जयसवाल ने जो स्कोर कायम किया, वही अगर हम बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश के प्लेयर्स बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर भी थे. बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं. अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत बात थी कि LBW भी थे इसके अंदर और इसके अंदर कैचेस भी थे. रोहित शर्मा ने भी कैचेस पकड़े हैं इसके अंदर. तमाम बॉलर्स ने विकेट्स ली हैं, सब ने अपना जो है ना पूरा पूरा शौक पूरा किया है. जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं, अश्विन जिन्होंने 2 विकेट्स ली हैं, सिराज की 2 विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिराज बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से विकेट्स निकाल सकें और फाइनली द डे केम कि उन्होंने 2 विकेट्स सिराज ने भी ली हैं. उसके बाद जडेजा 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और जनाब इसी तरह से आकाशदीप भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब. सब ने अपने अपने विकेट्स लेने के बाद जो है वो एक स्कोर को रिस्ट्रिक्ट किया 233 के ऊपर. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जनाब बैटिंग साइड की बात करें तो ओए अखीर कर दिया जयसवाल ने, मुश्किलात डाल दी है बांग्लादेश के बॉलर्स को, परेशान कर दिया था. 72 रन बनाए लेकिन उसके बाद आउट हो गए, बैड लक. और रोहित शर्मा 23 रन बना सके
उसके बाद मुझे लग रहा था कि पार्टनरशिप दोबारा से कायम हो सकती है अगर हम देखें, क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ जो कि पहले भी पार्टनरशिप अपनी कायम करने में कामयाब हुए थे, मुझे लगा था कि शायद अभी फिर से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. एवरी डे इज नॉट सेम, यू नो. तो अभी जो कि एक विराट कोहली के साथ एक्सपेक्टेशन जरा हाई है, क्योंकि विराट कोहली को एक बार फॉर्म में आने की देर है बस. जी हाँ दोस्तों, क्लासिकल जयसवाल हो या केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, जरहान अंदाज से भारतीय टीम ने 285/9 इनिंग्स के लिए को डिक्लेयर कर दिया है और 52 रन की बड़ी लीड भारतीय टीम ने अपने नाम कर डाली है. 26/2 बांग्लादेश बैकफुट पर धकेल दिया है भारत ने अपने जरहान और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जहाँ भारतीय ओपनर जयसवाल हो या केएल राहुल या विराट कोहली, सबने के सबने टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 क्रिकेट बना डाला. जरहान अंदाज अपनाया और यह टेस्ट मैच जो कि ड्रा की तरफ जा रहा था, अब यकीनी तौर पर भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में जान डाल दिया है और यकीनी तौर पर कल भारतीय टीम अगर बांग्लादेश को सस्ते में ऑल आउट कर जाती है तो यकीनी तौर पर 200 तक टारगेट भारत बासानी 18-20 ओवर में भी चेस कर सकता है. तो यकीनी तौर पर कल बांग्लादेश बैकफुट पर हो गया और भारत इस टेस्ट मैच को जीतने की पोजिशन में आ चुका है. इसीलिए तो भारत को ऑल पर का डेंजरस टीम करार दिया जाता है कि एक हीरोज के अंदर जारिहान और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय टीम ने बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया, सबको हैरान कर दिया और यह टेस्ट मैच जो कि ड्रा होता दिखाई दे रहा था, भारत ने इसमें जान डाल दिया है और यकीनी तौर पर कल का दिन बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है स्पेशली भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए. तो क्या कहना था भारत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर पाकिस्तानी मीडिया का, आपने कंप्लीट रिएक्शन देखा, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा.